भारतीय मजदूर संघ के जीवन यात्रा के 70 वर्ष पूर्ण होने पर, 70 वर्ष के पदार्पण पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा भारतीय मजदूर संघ के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिमय पंड्या जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी, श्री बागैया जी, रविंद्र हिमते जी, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय मातृशक्ति, भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष के इस उत्सव में देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 7 दशकों की जो यात्रा पूर्ण करते हुए श्रमिक क्षेत्र में अपने एक स्थान बन अभिनंदन तो मैंने व्यक्त किया कि लेकिन मैं बाहर का नहीं हूं, मुझे यहां अतिथि मुख्य अतिथि ये सब कहा गया। मैं यहां देखता हूं सभागार में हम सभी एक ही परिवार के, एक ही विचार परिवार के यहां बैठे हैं। उनमें से कुछ लोग मंच पर हैं, शेष लोग सभागार में हैं। हम परिवार के अंदर अपने ही एक भाई के जन्मदिन मनाते हैं तो कैसे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे हम इकट्ठे हुए हैं। कोई मजदूर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति निर्माण के संघ के शाखा में कार्य करने वाला यहां बैठा है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासन को, शासन को चलाने के लिए उस स्थान पर बैठे हैं, कोई समाज के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए ही अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए बैठे हुए एक ही परिवार के सदस्य हम सभी लोग यहां हैं। यदि आज अतिथि हैं तो यहां दो लोग हैं, एक हैं एनएफआईटीयू के श्री दीपक जायसवाल जी और अपने टीयूसीसी के डॉक्टर एसपी तिवारी जी। यह हमारे परिवार में जैसे रिश्तेदार किसी अच्छे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं बुलाने पर, ऐसे आए हैं, इसलिए हम इनका परिचय भी कराया, स्वागत भी कराया। तो ये भी अभी हमारे लिए दूर के नहीं हुए, ये भी अपने परिवार के ही बड़े परिवार के अंग बन गए, वो भी मानते हैं, ऐसे मेरा विश्वास है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ एक विशिष्ट संगठन है और उसका कारण भी माननीय भागैया जी ने अपने वक्तव्य में बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से उन्होंने रखा। 1920 में जैसे पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव के उल्लेख को आपने किया, तो विश्व के मानवता को आर्थिक साम्राज्यवाद और राजनीतिक साम्राज्यवाद से चंगुल से मुक्त करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, यह डॉक्टर हेडगेवार जी की कल्पना थी, विचार था। भारत मुक्त क्यों होना चाहिए? भारत अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, यही महर्षि अरविंदो ने कहा, भारत उठेगा, भारत उठेगा, भारत शक्तिशाली बनेगा, दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, अपने पैरों के तले, दूसरों के ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं, बल्कि भारत उठेगा विश्व के अंधकार में दीपस्तंभ बनकर विश्व की मानवता को दिशा देने के लिए। महर्षि अरविंदो के ये जो उद्गार था, उसी के एक दृष्टि से क्रियान्वित रूप करने की दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय उस प्रस्ताव के उन्होंने
सामने लाया था। यद्यपि वो प्रस्ताव समिति के अंदर स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन वो विषय तो सत्य है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो क्या है, प्रस्ताव पारित हो या ना हो, लेकिन काम तो होना चाहिए। तो प्रस्ताव अपने आप में सत्य उजागर हो जाता है उसका। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के पीछे के एक बहुत बड़ा कारण, एक उदात्त हेतु, एक महान लक्ष्य है। तो इसलिए हम भले ही अपने स्थान पर कार्य करने वाले एक मजदूर हैं, लेकिन सामने के सपना बहुत बड़ा है। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ऐसे एक बात कही जाती है। तो इसलिए विश्व के मानवता के बारे में सोचना, तो यही भारत की परंपरा है। छोटा बालक घर के अंदर कहीं बैठा था तो मां ने पूछा, ये नारायण कहां हो? तो दिखा नहीं कि बाद में मां ढूंढती गई घर के अंदर, एक कोने में नारायण ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ये बालक उठो, क्या क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, चिंता कर तो मां विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। वही बालक आगे जाकर समर्थ रामदास बने। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, इस प्रकार के विचार सोचने वाले, अकेले विश्व में एक नीडम, सारे विश्व एक ही परिवार है, ये केवल सोचने वाले नहीं है, अपने आचरण से इसको चरितार्थ करने वाले पीढ़ियां भारत के इस पुण्य भूमि पर हर युग में आती रही। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ की जो वैचारिक अधिष्ठान है, इसके एक सैद्धांतिक भूमिका है, इसके एक स्थापना की पृष्ठभूमि है, वह भारत के मिट्टी के सांस्कृतिक सुगंध से, आध्यात्मिक आधार तत्व से निकला हुआ है। भले ही मजदूर क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में, श्रमिकों के लिए कुछ भौतिक दृष्टि से सुख सुविधा दिलाने के लिए आवाज उठाने के कार्य तो करना ही पड़ता है, करेंगे, परंतु हमारे उद्देश्य केवल वहां तक सीमित नहीं है। इसलिए कहा गया है श्रमिक हित है, मजदूरों के हित है, लेकिन उससे बड़ा उद्योग हित है, और उससे भी बड़ा राष्ट्र हित है। तो यही अपने यहां कहा गया है, बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई को हमें त्यागना चाहिए। तदेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। एक व्यक्ति गांव के लिए हित है तो एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, यदि एक जनपद के हित के लिए ग्राम के भी त्याग करना चाहिए, देश के लिए एक जनपद के और आत्मा के मुक्ति के लिए पृथ्वी को भी त्याग करना चाहिए। ऐसे एक बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई के त्याग करना, यह हमारी संस्कृति के प्रवाह में एक श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमने न केवल पहचाना, लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न किया, उस प्रकार के बोध यहां दिए, शिक्षा दिए। भारतीय मजदूर संघ ने यही विचार किया, इसीलिए तो नारे निकले भारतीय मजदूर संघ के, क्या देश के उद्योगीकरण करें राष्ट्र के, और उद्योग का श्रमिकीकरण करें, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करें। मैंने भागे जी ने इसको उल्लेख किया, आपने यह भी कहा कि चीन में जब गए थे माननीय ठेंगड़ी जी, उस समय चीन के वहां के श्रम क्षेत्र के नेता लोगों ने ये विचार पूछा, और भारत में अन्य अन्य स्थानों पर भी माननीय ठेंगड़ी जी से इसकी चर्चा लोगों ने की है।
लेबर इज द इंडस्ट्री आप जब कहते हैं, व्हाट डज इट मीन? लेबराइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग के श्रमिकीकरण का अर्थ क्या है? उद्योग केवल किसी एक व्यक्ति के पूंजी से नहीं बनता, पूंजी आवश्यक है, उसके साथ साथ श्रम भी आवश्यक है। इसलिए किसी के जेब के पैसे उद्योग के लिए लगते हैं, किसी के शरीर के पसीना उद्योग के लिए लगना ही चाहिए, तभी उद्योग होता है और उत्पाद संभव है। इसी प्रकार समाज की अन्य इकाई भी है, इसलिए औद्योगिक परिवार की जब बात आई तो इसमें श्रमिक के भी एक प्रमुख भूमिका है। इसलिए उद्योग के श्रमिकीकरण करना, इस विषय के बारे में एक वैचारिक आधार भूमि को मान्य ठेंगड़ी जी ने विकसित की। तो भारतीय मजदूर संघ एक वैचारिक योगदान है श्रमिक क्षेत्र के लिए। उसमें राष्ट्र के बारे में है, उद्योग परिवार के विचार हैं, श्रमिकों के भूमिका के बारे में, श्रम के उत्पादन क्षेत्र है, कारखाने हैं, खेती है, सेवा के क्षेत्र है, संगठित सेवा के क्षेत्र है, असंगठित सेवा के क्षेत्र है। तो इसलिए इन सारे ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर ये सभी आपस में क्लासेस नहीं बनना है, या उद्योग में मालक और श्रमिक अलग अलग क्लास नहीं है, वर्ग नहीं है। इसलिए वर्ग बनेगा, वर्ग के आपस में संघर्ष होंगे, इसलिए समाज संघर्ष से ही आगे बढ़ेगा। ये जो एक तत्व वामपंथी विचार के दुनिया में चलाया, नहीं, समन्वय से, आपस में संवाद से विषय आगे बढ़ने चाहिए। जीवन संघर्ष से नहीं, समन्वय से विकसित होता है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भी ऐसे एक पारिवारिक भाव के समन्वय होना चाहिए। परिवार के अंदर संघर्ष से परिवार टूटता है, परिवार बिखरता है, परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र एक परिवार है, इस परिवार के हर इकाई के अंदर ऐसे आपस में समन्वय और संवाद चाहिए। लेकिन अपने अधिकार की बात भी होती है। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म दिवस से प्रारंभ में प्रदेश अध्यक्ष ने हमें स्मरण भी दिलाया, और स्वतंत्रता आंदोलन के और एक प्रमुख व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के भी जन्म दिवस है। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं और उसको लेके ही रहूंगा। तो जन्मसिद्ध अधिकार है किस लिए? क्योंकि मुझे कर्तव्य निभाने हैं, इसलिए। केवल अधिकार के लिए नहीं, वह अधिकार मुझे 10 कर्तव्यों को निभाने के लिए वह दरवाजा खोलता है, वह अवसर देता है, मुझे वह प्रेरित करता है। इसलिए उस अधिकार की बात कहते हैं। वो अधिकार केवल मेरे अहंकार के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए श्रमिकों के, नारियों के, महिलाओं के, युवकों के, विद्यार्थियों के, किसानों के अधिकार की बात जब होती है, वह अधिकार समाज से संघर्ष करने के लिए नहीं, दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, वर्ग निर्माण करके आपस में लड़ाने के लिए नहीं। इस भाव को हमें यदि ध्यान में रखेंगे तो भारतीय मजदूर संघ ने उद्योग परिवार जो कहा, औद्योगिक परिवार, इस बात को हम समझ पाएंगे।
इस वैचारिक का आधार भूमि को, इस अधिष्ठान को श्रमिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर रखने का कार्य माननीय ठेंगड़ी जी ने और भारतीय मजदूर संघ के समस्त नेतृत्व ने आज तक करते आए हैं और आगे भी इसको करना ही पड़ेगा। मजदूर संघ की विशेषताएं हैं, मजदूर देश के लिए सोचता है, केवल अपने लिए नहीं सोचता, देश के हित में करेंगे काम और काम करेंगे पूरा दाम, ठीक है, देश के हित में करेंगे काम याने क्या। मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, दो मंच प्रारंभ किए, एक है सर्वपंथ समादर मंच, मजदूरों के अंदर सब प्रकार के लोग हैं, जैसे समाज में सभी हैं। माननीय भागवत जी ने कहा जैसे एक समरसता के, सब समान के, ऊंच नीच छुआछूत ऐसी कोई भावना श्रमिक क्षेत्र में नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ने इस विषय को आग्रह पूर्वक अपने केवल विचार के नहीं आचरण में इसको लाने का सतत प्रयत्न करते रहा है। ऐसे ही समाज में कई पंथ संप्रदाय हैं, मजदूर भी अपने अपने घर में अपने अपने पंथ संप्रदाय के ही अनुयायी हो सकते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मजदूर क्षेत्र में हम सर्वपंथ समादर मंच स्थापना करने के कारण क्या है। भारतीय मजदूर संघ ने, यह तो श्रमिकों का विषय नहीं है, ये तो आर्थिक विषय नहीं है, ये तो मजदूरों के अधिकार का विषय नहीं है, ये तो रोजी रोटी का विषय नहीं है, लेकिन क्यों किया? देश के दृष्टि से भी सोचने वाले लोग, ऐसे मजदूर भले ही हम पंथ संप्रदाय से अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं, केवल आर्थिक कारण से नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं, राष्ट्रीय संस्कृति के, राष्ट्र के हिसाब से हम एक हैं, यह हमारे ध्यान में सदैव रहना चाहिए, इसलिए ये बात मजदूर संघ ने आग्रह पूर्वक सामने रखी। दूसरी बात, भारतीय मजदूर संघ ने पर्यावरण मंच बनाए। हम कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, कारखानों के कारण पर्यावरण पर असर होता है, लेकिन कारखाने भी जीवन के लिए चाहिए, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन करना है, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो कुछ न कुछ प्रकृति पर, पर्यावरण पर उसके कुछ प्रभाव होगा ही, तो इसलिए हमारे एक कर्तव्य बनता है, हम एक तरफ उत्पाद करते हुए पर्यावरण पर हम प्रभाव डाल रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं पर्यावरण का, इसलिए प्रत्येक का मजदूर के, प्रत्येक मालक के, प्रत्येक कारखाने के एक कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, मैं पर्यावरण के बारे में भी ध्यान रखकर पर्यावरण के रक्षा के लिए भी दो कदम आगे बढ़ो, इसमें कोई बोनस की बात नहीं है, इसमें कोई अधिकार की बात नहीं है, लेकिन समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेरी भूमिका है, इसलिए पर्यावरण के आग्रह। तो इसी को लेकर पांच विषयों के संदर्भ में एक पर्यावरण के बारे में भी 70 वर्ष की कार्य योजना में आज जो घोषित हुए हैं, इसमें मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने इस विषय के बारे में भी सोचा है। 70 वर्ष के पूर्ण करेंगे, एक साल हो जाएगा, अभी पदार्पण कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए? किसी भी एक संस्था के, किसी भी एक संगठन के जीवन में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल होना यह स्वाभाविक है, होते रहेगा। 70 वर्ष के इस अवसर पर क्या बात अपने को सोचनी चाहिए, क्यों करने चाहिए? पहली बात यह है, भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष के इस अवसर पर जितने लोग इस संगठन को निर्माण करके, खड़ा करके, यहां तक लाने के लिए
सब प्रकार के अपने त्याग समर्पण किया है, उनके प्रति कृतज्ञता, और समाज के जितने भी लोगों ने अपने इस भारतीय मजदूर संघ के निर्माण में और विकास में और आगे बढ़ने में सहयोग दिया, उन सबके प्रति धन्यवाद देने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्रमांक एक। दूसरी बात, भारतीय मजदूर संघ जैसे कहा, एक वैचारिक आधार पर चलने वाले जनसंगठन है। इस विचार को वर्तमान युग में श्रमिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कैसे इस वैचारिक जो दृष्टि है, हमारे अधिष्ठान है, इसको आज के संदर्भ में कैसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए। वी हैव टू आर्टिकुलेट द बेसिक आइडियोलॉजिकल टेनेट्स ऑफ भारतीय मजदूर संघ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसलिए अभी आवश्यक है। तीसरी बात, हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, करोड़ों की संख्या में हैं। हमें एक पुनः संकल्प करना चाहिए। हम जिस कारण से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बने हैं, भारत के गौरव के लिए, भारत के वैभव के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, उसके लिए हम समर्पित होंगे। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या, बलिदान, ये हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उस संकल्प के प्रति हम समर्पित हैं। हम देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन हो सकते हैं, हुए हैं, अच्छी बात है। हम दुनिया के श्रमिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में एक महती भूमिका निभाने के ऐसे एक उच्च स्थान पर हम पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। पहुंच रहे ने भारतीय मजदूर संघ के एक संगठन के नाते केवल नहीं, एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर हम चले हैं। जैसे अभी उधर उल्लेख हुआ, G20 के समय लेबर 20 L20 में मजदूर संघ को प्रथम क्रमांक के संगठन होने के नाते उस L20 के संगठित करने का, आयोजित करने के एक अवसर मिला। उस अवसर को लेकर सभी के सामने उन्होंने विचार रखने का प्रयत्न किया और विश्व के अन्य अन्य देशों से आए हुए इस क्षेत्र के श्रमिक क्षेत्र के लोगों ने, उद्योग क्षेत्र के लोगों ने इस विचार के बारे में वो उत्सुकता व्यक्त किए, समझने के प्रयत्न किए, सराहना किए। तो इसलिए भारत के एक दृष्टि है, भारत के इस दृष्टि को, भारत के इस विचार को विश्व भर में फैले हुए श्रमिक क्षेत्र के बीच रखने का और वहां इस विषय को समर्थन दिलाने के एक बड़ा प्रयत्न करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हमें ऐसे स्थिति में हम अपने संगठन इतना बड़ा हो गया, अनुकूलता मिली, इसलिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता गर्व महसूस करें, ये स्वाभाविक है। हमें आनंद हो ये अत्यंत सहज है, होना भी चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएं ये अपेक्षित नहीं है। इसलिए अपने को, हम जिस पथ पर चले हैं आज तक, उससे हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए हमारी पहचान जो त्याग, तपस्या और बलिदान है, हमारी जो पहचान प्रामाणिकता के, पारदर्शिता के हैं, हमारी पहचान जो सामूहिकता के हैं, हमारी पहचान जो राष्ट्र सर्वोपरि है, उस पहचान को बनाए रखेंगे। इस विषय के लिए हम पुनः संकल्प करना, यह तीसरा कारण है हम
70 वर्ष के इस उत्सव को मनाने का। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ आज देश में और दुनिया में कई प्रकार के नई चुनौतियां सामने आ रही है, तो इसलिए विचार करना पड़ेगा। मजहबी कट्टरवाद विश्व में फैल रहा है, हिंसा के बल पर मजहबी कट्टरवाद को फैलाने का प्रयत्न विश्व के कई देशों में करते हुए हम देख रहे हैं। विश्व के मानवता त्रस्त है। भारत इसलिए हम पंत संप्रदाय के सर्व समादर के जो विचार हमने रखा, हम अपने एक एक यूनिट से, हम अपने अपने एक एक इकाई से इस विषय के आग्रह रखेंगे विश्व में मजहब के कारण, पंथ संप्रदाय के कारण, रिलीजन के कारण कट्टरवाद, उग्रवाद, हिंसाचार, खून खराबा करने के जो बर्बरता के युग था उसको समाप्त किया जाए। मानव शांति के आधार पर, समन्वय के आधार पर, स्नेह के आधार पर, परस्पर समझदारी के आधार पर, सामंजस्य के आधार पर जीने का नए युग का हम स्वागत करना चाहिए। इसलिए श्रमिक क्षेत्र को विश्व भर में काम करना चाहिए। भारत से इसके प्रारंभ हम करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, नहीं तो दुनिया में उद्योग के मालक और श्रमिक ये संघर्ष तो किसी जमाने में किसी ने कहा होगा, उस क्षेत्र उस समय के लिए वहां उस देश के लिए वो ठीक हुआ होगा, पता नहीं। लेकिन आज संघर्ष मानव मानव के बीच दूसरे ढंग से होने के एक बहुत बड़े खतरा दुनिया में हम देख रहे हैं। इसलिए मानव की एकता, मनुष्य जाति एक है, इसको आग्रह पूर्वक करने के कार्य भारत को, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले भारत को, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ऐसे G20 में उद्गार करने वाले भारत को ऐसी भूमिका निभाने पड़ेगी। इसलिए भारत के श्रमिकों को इसमें एक महती भूमिका निभाने की आवश्यकता है। दूसरा है आर्थिक संकट। दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में कई नई बातें आ रही है, उद्योग के क्षेत्र में नई बातें आ रही है, तंत्र ज्ञान के दृष्टि से आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई बातें आएंगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 20 साल पहले उसका जब ऊपर उठने का शुरू हुआ, आज दुनिया भर में वही है। तो मनुष्य यंत्र के गुलाम नहीं बनना है, यंत्र मनुष्य के सेवक बनना चाहिए। यंत्र की आवश्यकता है, उपकरणों की एक भूमिका है, लेकिन मनुष्य के यंत्र के जो संबंध है उसमें ह्यूमन फेस यंत्र के, विज्ञान के, तंत्र ज्ञान के, उसके मानवीय चेहरा, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। यंत्र को नकारने से, तंत्र ज्ञान को नकारने से काम नहीं बनता, लेकिन तंत्र ज्ञान को मनुष्य के, प्रकृति के हित के, रक्षा के दृष्टि से कैसे उपयोग करना चाहिए, इसलिए अनुसंधान की आवश्यकता है, इसलिए संयम की आवश्यकता है, इसलिए सामंजस्य की आवश्यकता है, इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। इस विवेक को हमें उत्पन्न करना चाहिए। माननीय ठेंगड़ी जी कहते थे, टेक्निकल नो हाउ इसकी बात होती है। ठेंगड़ी जी ने वर्षों पूर्व कहा था, टेक्निकल नो हाउ तो ठीक है भैया, टेक्निकल नो वाट, टेक्नोलॉजिकल नो वाट,
ये कैसे केवल नहीं, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उस संयम को, उस सामंजस्य को, उस विवेक को भारत की यह भूमि विश्व को सिखा सकती है। इसलिए तंत्र ज्ञान के ऊपर कैसे नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो मानवता कौन से खतरे में आकर पहुंचेगी, इस विषय के बारे में विचार करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में कई प्रकार के आज नई नई बातें आ रही हैं। जब डंकेल प्रस्ताव हुआ, बाद में WTO आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण दुनिया में बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया, अब विश्व मार्केट एक है, ये सारी बातें हिमालय के चोटी से बोलना शुरू हो गया था। क्या इससे मनुष्य को सुख मिला, मजदूरों को सुख मिला, कुछ ही लोगों के हाथों में सब प्रकार के सुख सुविधा के, संपन्नता की चीजें उनके अधिकार के क्षेत्र में आ जाए और बाकी लोग विपन्नावस्था में, उस नरक में, उस दुरावस्था में रहें, यह अपेक्षित है? ये कभी भी समर्थन नहीं कर सकते इसका। इसलिए आर्थिक क्षेत्र के कई ऐसी चुनौतियां हैं। इसलिए विकास के नीति क्या हो, विकास के मॉडल क्या हो, कृषि भी बने रहे, कारखाने भी चाहिए, प्रकृति के नाश भी, सीमित रूप से प्रकृति के दोहन करने के स्थिति आए, मनुष्य के सुख के ऊपर संयम रखने के भी शिक्षा और संस्कार उसको मिले। हमें केवल अपनी पीढ़ी को नहीं जीने हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचा के रखने हैं। हम तंत्र ज्ञान को, आर्थिक नीति को, विकास के मॉडल को इस प्रकार विकसित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती आज विश्व के मानवता के सामने है। भारतीय मजदूर संघ को इस दृष्टि से भी भूमिका निभानी है। तीसरा है, आज विश्व के अंदर एक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रही है, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, किसी भी प्रकार के संस्कृति से जन्य जीवन के पद्धति जो है उसको घृणा से देखना, वो दकियानुसी कहना, उसके बारे में किसी भी प्रकार के श्रद्धा भंग करना, एक श्रद्धा विहीन समाज का निर्माण, बड़े और छोटे, बड़े के प्रति एक सम्मान रहना, समाज के एक संस्कार है। बड़े क्या हो गया भाई, तुम कल पैदा हो, मैं आज पैदा हूं, तुम भी उसी प्रकार पैदा हो, मैं भी उसी प्रकार पैदा हो गया हूं, इसलिए तुमको क्यों मैं ज्यादा सम्मान करूं। श्रद्धा भंग करना, जीवन केवल तंत्र ज्ञान से, विज्ञान से, आर्थिकता से, राजनीतिक कानूनों से, संविधान के अनुच्छेदों से नहीं बनता। जीवन संस्कृति से, संस्कार से, सभ्यता के अनुभव से, ऋषियों के, विद्वानों के, समाज के विभूतियों के, अनुभवी लोगों के अनुभव से जीवन को सीखते हैं, बनाते हैं। उसमें जो कमी है, कल ठीक हुआ होगा आज गलत है, उसको हर पीढ़ी को उसको ठीक करने का अधिकार है और कर्तव्य भी है। परंतु श्रद्धा भंग करते हुए संस्कृति के सब प्रवाह को घृणा से देखने का, यह जो सांस्कृतिक चुनौती है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं दिखेगा, मनुष्य यंत्र देखेगा। तो इसलिए मनुष्य बुद्धि से, मन से, हृदय से,
चित्त से वाणी से बना हुआ एक ऐसे श्रेष्ठ कलाकृति है। इसलिए मनुष्य को बचाना है, प्रकृति को बचाने हैं। इस मनुष्य और प्रकृति के बीच के संतुलन को, सामंजस्य को बचाना है, इसलिए संस्कृति के पाक जीवन के लिए आवश्यक है। संस्कृति का नाश करके कोई भी समाज खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए संस्कृति के आराधक भारत विश्व के विविधता को, अनेकता को, छटा रंग को सम्मान करते हुए, स्नेह से, प्रेम से देखते हुए ये सारी विविधताएं बने रहें, परंतु आपस में स्नेह और सामंजस्य रहे। इस प्रकार के एक वसुंधरा परिवार को बनाने का, संस्कृति के इस श्रेष्ठ कार्य को अपने भूमि में जो युगों युगों से हम करते आए हैं उसको आधुनिक काल में कैसे करना, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मजहबी कट्टरवाद, आर्थिक और तंत्रज्ञान के संकट और चुनौती, और सांस्कृतिक क्षेत्र के संकट और चुनौती, इन बातों के बारे में श्रमिक क्षेत्र के लोगों को भी विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम केवल मजदूरों के अधिकार के लिए खड़े नहीं हुए, यद्यपि वह कार्य आवश्यक है। जन संगठनों की भूमिका बनती है, वो विद्यार्थियों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, जितने भी मास ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके एक उनके दायित्व होता है, उनकी भूमिका होती है देश और समाज के प्रति अपने प्रतिबद्धता के साथ अपने भूमिका निभाए और अपने क्षेत्र में वर्तमान युग के आवश्यक संस्कृति के जड़ के आधार पर आधुनिक काल के लिए अनुकूल, काल सुसंगत नए मॉडल्स को विकसित करने के लिए हम कार्य करें, यह आवश्यक है। मैं समझता हूं भारतीय मजदूर संघ अपने 70 वर्ष के इस कार्य योजना के विभिन्न आयामों में जो कार्य विचार किया है, इन चुनौतियों को भी उत्तर ढूंढने का, समाज में एक चिंतन को, विचार मंथन को प्रारंभ करने का प्रयास करेगा, ऐसे मेरे विश्वास है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक वैचारिक अधिष्ठान का संगठन है। मित्रों, पुनः एक बार आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के प्रति, चंद्रशेखर आजाद के प्रति मैं अपने अभिवादन व्यक्त करता हूं, उनके स्मृति पर मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। माननीय ठेंगड़ी जी समेत भारतीय मजदूर संघ को खड़ा करने के, निर्माण करने के, आगे बढ़ाने के एक बहुत बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, उन सारे नेतृगण और कार्यकर्ता परिवारों को इस समय मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सबके स्मरण करता हूं और भारतीय मजदूर संघ के कार्य के आगे की यात्रा के लिए आप सबकी ओर से, समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।